शाजापुर जिले के शुजालपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार का ग्रामीण क्षेत्रों में तूफानी जनसंपर्क जारी है। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को मिल रहे भारी समर्थन से न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता बल्कि शाजापुर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जयंत सिकरवार भी उत्साहित है, जिसके चलते उन्होंने शुजालपुर सहित शाजापुर और काला पीपल में भी कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 17 नवंबर को मतदान होना है। विधानसभा चुनाव के मतदान को अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी निरंतर जनसंपर्क कर अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं बात करें शाजापुर जिले के शुजालपुर विधानसभा की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार अल सुबह से देर रात तक न सिर्फ शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर मतदाताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आम जनता से मिल रही समर्थन को लेकर शाजापुर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार के पुत्र जयंत सिकरवार भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए जयंत सिकरवार ने कहा कि साल 2018 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी रामवीर सिंह सिकरवार पिछले 5 साल से क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और समय समय पर आम जनता के हक की आवाज उठाई जा रही है। यही वजह है कि इस बार उन्हें शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ भैया, अभी कांग्रेस कहाँ पहुँची है, तो कांग्रेस तो हर गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गई है। बात हम करते हैं क्योंकि कांग्रेस में तैयारी, मैं समझ जिले की बात करता हूँ, कांग्रेस जो तैयारी कर रही है वो बूथ लेवल की तैयारी थी, प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचने की तैयारी थी, जो कि 5 साल से सतत चलती आ रही थी हमारे जिले में, हमारी शुजालपुर विधानसभा। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है गांव में। जब हमारे शुजालपुर प्रत्याशी परवाले में श्री रामवीर सिंह सिकरवार जी जब वहां गांव-गांव पहुंच रहे हैं, तो एक जनता का जो उत्साह दिख रहा है, जनता का जो रुझान आ रहा है, वो निश्चित तौर में शुजालपुर में कांग्रेस का विधायक बना रहे हैं। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ इस चीज़ से कि शुजालपुर ही नहीं, काला पीपल और शाजापुर में भी कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है भैया, आपने सही कहा कि व्यवहार और अव्यवहार, हमारी शुजालपुर विधानसभा की जनता बहुत भली भाली है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि 5 साल एक वो प्रत्याशी जो चुनाव हारने के बाद लोगों के बीच में रहा, 5 साल एक वो प्रत्याशी जो चुनाव जीतने के बाद बहुत बड़े ओहदे पर रहे, पर कहीं ना कहीं नाराज़गी है, मतलब उनका चयन गलत हो गया था 2018 में और वो भूल अब पूरी शुजालपुर विधानसभा तैयार है सही करने के। अगर आप यूथ कांग्रेस के नाते अगर मुझसे पूछना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी जीत हमारे शुजालपुर विधानसभा में होने वाली है, मैं उसके लिए बिल्कुल आश्वस्त हूँ। शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।